श्यामलोकः कर्मविनिर्मितः दुःखोदरकात्तमोन्निष्ठा क्षुद्रामन्दासुचर्पितः गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, बचपन में मैं कलकत्ता का कोई बेलगेछिया बोल के एक जगह से गुजर रहा था। मेरा कोई रिलेटिव रिश्तेदार पूर्वाश्रम का मेरे को हाथ पकड़ के ले जा रहे थे। मैं बच्चा था उस समय। जब बेलगेछिया वेटरनरी हॉस्पिटल का सामने से गुजर रहा था उस समय एक अचानक एक आवाज आया, एक घोड़े का आवाज, जैसा लगता है कि उसको कोई काट रहा है, मार रहा है। मैं घबरा गया, अरे ऐसा चिल्ला रहा है, क्या बात है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपा गौरी गोष्ठीपति परमहंस आचार्य जोशी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बचपन में मैं कलकत्ता बेलगेजिया रोड से जा रहा था किसी रिश्तेदार के साथ बचपन में, और देखा एक घोड़े इतना चिल्ला रहा है कि लामानो कि उसको काट रहा है, मार डालेगा। हमने बोला क्या बात है, तो बाद में देखा ये वेटरनरी हॉस्पिटल में एक घोड़े को उल्टा करके सुला के उसका पैर का ऑपरेशन हो रहा है। मैंने हंस पड़ा, मैंने सोचा क्या हो गया ये घोड़े का। बाद में देखा अरे कुछ नहीं है, तमाम डॉक्टर और 8-10 आदमी मिलकर ये घोड़ा को सुला दिया, उसका पैर का जख्म था, उसको ऑपरेशन कर रहा है। मैंने हंस पड़ा, मैंने सोचा देखो इसका मंगल के लिए कर रहा है, घोड़े का मंगल के लिए कर रहा है, क्यों सोचा कि हमको मार डाले, चिल्ला रहा है। प्रभुपाद बचपन में ये चीज दिखा और हमारा शिक्षा के लिए बोल रहा है, बचपन में ये देखा और बचपन में अनुभव किया, अरे इसका मंगल के लिए सारे डॉक्टर और सारे लोग चेष्टा कर रहे हैं इसका मंगल कुशल हो जाए, ये चिल्ला रहा है कि इसको मार रहा है। ऐसा स्थिति है, जितना सारे कर्मी व्यक्ति हैं, जो कर्मी व्यक्ति हैं ये लोग जरा सा भी उसका नुकसान हो जाए सहन नहीं कर सकता। कोई अगर संत महात्मा इसका मंगल के लिए अपराजित जगत को उपदेश दे, जोर जबरदस्ती उसको समझाने के लिए देखो इस रास्ते में जाओ तो आपका मौत है, कुछ नहीं मिलेगा, वो सुनता नहीं, चिल्लाता है। उसका मंगल के लिए कुछ कर भी दिया तो चिल्ला के बोलता है क्यों किया। ऐसा बात है, कर्मी ज्ञानी और भक्तों का विचार कैसा है। मनुष्य जाति स्वाभाविक रूप में अपना इंद्रिय तर्पण छोड़कर और कुछ चाहता नहीं। मनुष्य जाति अक्सर अपना इंद्रिय तर्पण छोड़कर दूसरा कुछ चाहता ही नहीं, बस दिन भर इसी काम में लगे हुए हैं, दिन भर इसी काम में लगे हुए हैं, किसके हम कैसे हमारा मेटेरियल बेनिफिट हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके बिजी है। ये लोग चाहता है दूसरे का जो सुविधा है ये चूल्हे में जाए, मेरा सुविधा हो जाए, दूसरे का क्या नुकसान होगा कैसे वो हमारा देखने का दरकार नहीं, मेरा देखने का दरकार नहीं, वो चूल्हे में जाए, मेरा सुविधा हो जाए,
दूसरे का सुविधा, दूसरे का असुविधा, इनकन्वीनियंस कन्वीनियंस, ये सब हमारा देखने का दरकार नहीं। दूसरे का अमंगल हो जाए, दूसरे का असुविधा हो जाए, इसके बदले में मेरा मंगल हो जाए, ये कर्मी लोगों का विचार है। ज्ञानी का विचार ये जगत का जो सुख का दुख ये दोनों को ही छोड़ना चाहिए। कहना सुख का दुख ये सब जो है ये सब जगत का है, जगत का ये जगत प्रपंच है, ये बेकार है, ये तो कुछ नहीं है, ये सपने जैसा है। ज्ञानी लोगों का विचार जगत का सुख असुख ये सबको त्याग करके निर्विशेष अवस्था में पहुंच जाओ, निर्विशेष अवस्था में पहुंच जाओ जिसमें सुख का दुख बोल के कोई चीज नहीं रहे, ये ज्ञानी लोगों का। कर्मी अपना ताकत का ऊपर भरोसा रखने वाले, हर वक्त डुअरशिप कर्तापन अपनापन, यही भगवान को मानता भी है तो ऐसा ही मानता है, मानता तो नहीं है, ऐसा करके ये लोग अपना जिंदगी जीवन जिंदगी का सारे अमंगल को अपना बुला बुला के लाते हैं। अपना जिंदगी में जितना सारे अमंगल है इसको बुला बुला के लाते हैं। कर्मी लोगों का विचार देखो, कर्मों का नेटवर्क जे श्लोक दे के शुरू किया था ये उद्धव जी महाराज, उद्धव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण का शिक्षा ये चर्चा हो रहा है, और उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण का अंतिम शिक्षा आद्यंत बंतो एव ईशाम लोकहा कर्म विनिर्मिता दुक्षोदर का स्तमो निष्ठा खुद्रा मंदा सुचर्पिता। ये तमाम ये दुनिया है जो देख रहा है कर्म विनिर्मित लोक अर्थात गतागति स्थान, गति स्थान आदि और अंत अर्थात अनित्य एंड अल्टीमेटली परिणाम में दुखदायक, दुख देने वाले। दो दिन पहले भी चर्चा किया था जो संत महात्मा है वाकई जो ये बात सच्चा है, जो पक्का संत महात्मा है ये परिणामदर्शी हैं, हर चीज़ों में पल पल में हर वस्तु का हर व्यक्ति का हर इंसिडेंट का परिणाम दर्शन करते हैं और चुपचाप होके देखते रहते हैं परिणाम क्या भयावह, और अपने सावधान हो जाते हैं। तो आद्यंत बंतो जो ये जो लोक का सभ्यता है सिविलाइजेशन है, लोका कर्म विनिर्मिता कर्म के कर्मी लोगों का ये काम है, दुनिया बैठा हुआ है बैसे हुए हैं और इसका आदि और अंत है, परमानेंट कुछ नहीं, नित्य नहीं है, और अंतिम में दुख की सागर में डालने वाले, तमोनिष्ठा रखने वाले और बड़ा छोटा मोटा वेरी स्मॉल वेरी इतना क्षुद्र चीज है, मामूली चीज है, खुद्रा मंदा सुचार पिता जड़मय हैं, अनित्य में दुख देने वाले हैं, तमोनिष्ठ क्षुद्र छोटे मोटे इतना नगण्य इतना मामूली चीज है, जड़मय हैं, और तमाम दुनिया शोक व्याप्त है, शोकों से भरा हुआ है, शोकों से भरा हुआ है, चारों ओर जहाँ देखो शोकों से भरा हुआ है। आद्यांत बंत एव ईशाम लोकहा कर्म विनिर्मिता दुक्षोदर का स्तमो निष्ठा खुद्रा मंदा सुचार्पिता। कर्मों का नेटवर्क कितना भयंकर है, कर्मानाम परिणामित्वात् आविरिंचत अमंगलम, ब्रह्मा से लेकर चेटी सक अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनः अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर चेटी तक सब रोटेटिंग ऑर्डर साइक्लिक ऑर्डर में घूमने वाले, सब घूमने वाले, अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनः अर्जुन, सब चक्का घूम रहा है, और कर्मानाम परिणामित्वाद अविरिंचत अमंगलम,
ब्रह्मा से लेकर कई भी जगह जाओ, कर्म का जो मार्ग है ये भयावह है, भयंकर है। कर्मों का रास्ता जो है बड़ा भयावह है, इतना फियरफुल है। नरोत्तम ठाकुर कीर्तन में बताया, कीर्तन में सुंदर सुंदर बताया, किंतु सुनने का टाइम नहीं है कीर्तन। कर्मो छराइते केहो नारे, कर्म बंध ज्ञान बंध सकल आवेश मानव अंध, ये सब कीर्तन में है। कर्म बंध मतलब ज्ञान, ज्ञान बंध आवेश मानव अंध। कर्म कोई कोई छुड़ा नहीं सकता है, कर्मों का नेटवर्क इतना भयंकर है। ब्रह्मा से लेकर चेटी तक सब कोई को साइक्लिक ऑर्डर में घूमना है, किसी को बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक मिसाल दे दे, देखो क्या बात है। ब्रह्मा से चेटी तक कर्म का साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, कर्मफल कर्म कर्मफल चलते रहे। स्वर्गराज इंद्र है, आप सोचते हो कि इंद्र बड़ा स्वर्ग का राजा है, मेरे माला माल है, बहुत सुंदर गुजर रहा है, बोले नहीं। स्वर्ग में जो इंद्र महाराज है ये भी सुखी नहीं है, ये भी सुखी नहीं है, इसका भी टेंशन है। टेंशन हाँ टेंशन है, दिन भर टेंशन। टेंशन काय बात की, बोले टेंशन तो है ही है, स्वर्ग का राजा है। बोले हमारा भागवत जी महापुराण के जो महिमा है, ये पद्म पुराण का महिमा, न च इंद्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः, यहाँ लिखा हुआ है। देखो सारे दुखी, इंद्र महाराज दुखी, इंद्र महाराज का कोई सुख नहीं है। न च इंद्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः, या तो चक्रवर्ती राज चक्रवर्ती है, किसी राजा चक्रवर्ती है, इसका भी सुख नहीं। क्यों? ये टेंशन में है। नौ च इंद्र सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती ना, लेकिन सुख किसका है? मेरे सुखम अक्ति सुखम अस्थि विरक्त स्व मुनेर एकांत जीविन, जो मुनि है मौन व्रतो मन दुनियादारी में व्यस्त नहीं है, एकांत जीवन मतलब भगवान को हृदय में लेकर भगवान को मनाने के लिए, सुखी करने के लिए भजन तपस्या आदि कर रहे हैं, ये लोग सुखी। सुखम अस्ति विरक्त स्व, विरक्त मतलब विषय विरक्त, भोगों का लिए दौड़ नहीं रहा, विषयों से छुटकारा मिल गया। सुखम अस्ति विरक्त स्व, जो डिटैचमेंट आ गया, विरक्त हो गया, विषय विरक्त। मुनेर एकांत जीवन, जो एकांत रूप से भगवान को लेकर जी रहा है, शांति उसी का है। देखो क्या बात है, स्वर्गराज इंद्र है, और ये तो सबसे बड़ा पद है स्वर्ग का, स्वर्गराज इंद्र। फल अभिमान तो है ही है, मैं स्वर्गराज इंद्र हूं। इन्होंने क्या की, अपना ऐश्वर्य जो है वैभव है, स्वर्गराज में वैभव का कमी नहीं है, और अपना मन में अभिमान आ गया। अभिमान आने के बाद क्या की, बोले बृहस्पति गुरुजी बृहस्पति सभा का अंदर आ रहा है, और इंद्र महाराज अपना सची देवी अपना पत्नी का साथ सिंहासन में विराजमान है। अपना पत्नी सची देवी का साथ सिंहासन में विराजमान है, और गुरुदेव बृहस्पति आ रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति को सभा में आते हुए देखा, फिर भी उठकर खड़ा नहीं हुआ, इतना अभिमान आ गया ये उठकर खड़ा नहीं हुआ। गुरुदेव बृहस्पति सोचे ये इसका तो अभिमान आ गया, ये तो हम तो यहाँ रहेंगे नहीं, ऐसा करके देवगुरु बृहस्पति अंतर्ध्यान विद्या के द्वारा, अंतर्ध्यान विद्या के द्वारा गायब हो गए, गायब हो गए। और बृहस्पति जब चले गए,
तो इंद्र महाराज जी का अंदर में एक अफसोस पैदा हुआ, अरे महाराज हमने ठीक नहीं किया, गुरु जी जब सभा में आ रहा था मैं उठ के खड़ा होके गुरु जी का स्वागत नहीं की, हाय महाराज हमने गलती की, ये उचित नहीं था, हाय हाय मैंने गलती किया। हो गया छुट्टी, अमंगल हो गया, गुरु जी को अपमान, देखो कर्म मार्ग। फिर आगे चल के गुरुदेव गायब है, गुरुदेव गायब हो गया अंतर्ध्यान विद्या के द्वारा, अंतर्ध्यान विद्या के द्वारा गुरुदेव गायब हो गया। अब गुरु जी नहीं है तो स्वर्ग में जो यज्ञ है सब रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी है, पुण्य कर्म है, ये करना मुश्किल हो गया। पुरोहित है गुरु जी, पुरोहित पुजारी है, गुरुदेव पूजा और यज्ञ भी कराता है और देवता लोगों का गुरु है, और हाय राम कहाँ गुरु जी गया, गुरु जी मिला नहीं। अब यज्ञ करने का टाइम हो गया, कहाँ करे, यज्ञ करना जरूरी है, मुसीबत आ गया, गुरु जी नहीं है तो कौन मार्ग दिखाएगा, हाय राम गुरु जी नहीं है तो कौन मार्ग दिखाएगा, कोई है नहीं। उसमें क्या हुआ, मर दौड़ के गया, बृहस्पति का अपमान हो गया, दौड़ के गया किसका साथ, त्रष्टा का लड़का विश्वरूप के पास गया, विश्वरूप को मनाया, भले आ तातो हम आपका मामा लगता है, देव देवता लोग से काम करो, थोड़ा हमारा लिए पुरोहित का काम कर दो, जजमान मैं जजमान हम लोग थोड़ा यज्ञ आदि करा दो हैं, ये मेरा विनती है। विश्वरूप को प्रार्थना किया, बार बार मनाया, विश्वरूप ठीक है चलो हम कर देंगे। जब यज्ञ करने बैठे, यज्ञ हो रहा था, और यज्ञ जब हो रहा था उस समय इंद्र महाराज जी ने अचानक देख लिया, करिए ये तो बदमाश है, ये देवता लोगों को यज्ञ का हवन में ये जो आहुति दे रहा है देवता लोगों का, और चुपके से असुर लोगों का लिए भी दे रहा है, अरे ये तो खतरनाक है, बोल के अपना जो तरवाल को खोला और पूरा सिर को काट दिया, उसका तीन सिर था काट दिया, अब ब्रह्म हत्या का पाप हो गया, एक तो पुरोहित है, दूसरा गुरु है, तीसरा है ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, गुरु हत्या पुरोहित हत्या सारे पाप लग गया, हो गया ब्रह्म हत्या का, इसको पाछले के लिए बहुत सारे रास्ता ढूंढा, बहुत मुश्किल है। इसके बाद त्रष्टा जो है स्वरूप अपना जो लड़का है उसको मार डाला इंद्रो को मारने के लिए एक मतलब किया, वो एक यज्ञ किया, हवन किया, वो यज्ञ में इंद्रो को मारने वाले ताकत वाले एक असुर को पैदा करने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ में बोलना था इंद्रो का शत्रु पैदा हो जाओ, इंद्रो का शत्रु, इंद्रो का जो शत्रु हो वो आ जाओ, इंद्रो को मारो, ऐसा मंत्रों में बोलना था, हैं? और बोल दिया उल्टो, इंद्रो जिसका शत्रु है, हैं? है ना, इंद्रो जिसको मारेगा इसको पैदा हो, इंद्रो शत्रु विवर्धसः, इंद्रो शत्रु विवर्धसः, इंद्रो आप शत्रु हो जो पैदा हुआ उसका, आप बढ़ो, आप वर्धन हो जाओ, इंद्रो शत्रु विवर्धसः, ऐसा बोला इंद्रो शत्रु विवर्ध, मंत्र बोलने का थोड़ा उल्टा हो गया, बस इसमें क्या हुआ, इंद्रो का पावर बढ़ गया और वित्रासुर पैदा हुआ, वित्रासुर पैदा होने का बाद आप अपना भैया का प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध में कूद पड़े, और युद्ध हुआ इंद्र महाराज देवता लोगों के साथ, इनके युद्ध हुआ असुर लोगों का, लेकिन अंतिम में वित्रासुर मारे गए। दधीचि मुनि काल बोल रहा था ना,
दधीचि मुनि का हड्डी है। दधीचि मुनि बोलकर मुनि है, वो बड़ा तपस्वी है। ब्रह्मा ने सिखा दिया एक काम करो, ये दधीचि मुनि जी का पास जाओ जाके, क्योंकि वित्तासुर तुम्हारा कोई भी अस्त्र शस्त्र से मरने वाला नहीं है। एक अस्त्र है जो दधीचि मुनि तपस्या कर रहा है, सालों साल जुग जुग तपस्या कर रहा है, इनका सामने जाके प्रार्थना करो, महाराज आपका हड्डी चाहिए, आपका शरीर छोड़ दो। और फिर वो हड्डी को कलेक्शन किया दधीचि मुनि औरों का मंगल के लिए। दधीचि मुनि औरों का मंगल के लिए, देवतालों का मंगल के लिए अपना शरीर छोड़ दी, और शरीर को लेके इंद्र चले गए। उसका बाद उसका हड्डी को निकाला, निकाल के ब्रह्म तेज के द्वारा सानित इतना पावरफुल वीपन बनाया, ब्रह्मास्त्र वज्र बनाया, ब्रह्मास्त्र नहीं वज्र बनाया, ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मा का पास रहता है, ये वज्र बनाया। ये वज्र के द्वारा इंद्रों को मारने के लिए आए युद्ध क्षेत्र में। अब युद्ध में वित्तासुर मारे गए, वित्तासुर मरने के बाद द्वारा, वित्तासुर मरने के बाद द्वारा ब्रह्मोत्तपाप लेगा। पहला विश्वरूप तो ब्राह्मण था, गुरु था, और जागिक ब्राह्मण था, यज्ञ करा रहा था, गुरु था, इसको मार डाला, द्वारा इसको मारा, अब कहाँ जाए। ऐसा करके देखो तो अब भागे 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 भागे, कहाँ भागे, भागते भागते कहाँ जाए, बड़ा समस्या हो गया। फिर अश्वमेध यज्ञ करके इसको जो पाप है पाप से मुक्ति दिलवाया ऋषि, मतलब ये बोलने का नहीं, बोलते चलो तो कर्मों का नेटवर्क जो है। अब देखो ठंडा दिमाग से विचार करके देखो, इंदो महाराज का क्या हुआ था, इंदो महाराज का क्या हुआ था, इतना पागल हो गया कि गुरुजी आ रहे कुछ सम्मान नहीं दी। इसका बाद देखो इंदो महाराज जी कितना कर्म मार्ग का नेटवर्क में फंस गया। कोई भी आदमी ये जोगो करे, अरे करने के बाद ये दान दक्षिणा करे, यहाँ जाए, ये करे, वो करे, उसके बाद बंधन से छुटकारा मिलने का कोई रास्ता है नहीं। कैसे मिलेगा, हरि भजन छोड़ के तो मुक्ति का कोई रास्ता है नहीं। मुक्तिदाता विष्णु रेव न संशयो, कृष्ण छोड़कर वास्तविक मुक्ति कोई नहीं दे सकता। कृष्ण हतारी गोती दाता, मुक्तिदाता विष्णु रेव न संशयो, हतारी हतो अरी गोतिदाता। जो शत्रु को कृष्ण का शत्रु नहीं है वो लोग कृष्ण को शत्रु मानते, जो लोग मारा गया हतारी गोतिदायकत्व, हतारी गोतिदायकत्व मतलब हतारी हतो अरी, मरने का बाद शत्रु को जो गोती देते हैं एकमात्र कृष्ण देते हैं। और कर्म मार्ग का इतना कॉम्प्लिकेसी है, मत सोचो मत पूछो, इतना कॉम्प्लिकेट है। इसलिए कृष्ण भक्तो निष्काम अतएव शांत। लेकिन कृष्ण भक्तो जो कृष्ण भजन करने वाले, विष्णु भजन करने वाले, वो शांत हो जाते। क्यों? अंदर में कोई कामना वासना ही नहीं, कामना वासना बंधन का कारण है। कृष्ण भक्तो निष्काम अतएव शांत, और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि भावी लाभ पूजा पति से इंद्र महाराज वो भी दौड़ रहा है लाभ पूजा पति। पृथु महाराज का साथ कितना लड़ाई किया देखो, पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं, इंद्रों का नाम शतक्रतु अश्वमेध यज्ञ 100 बार किया। इसका जो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं, ये करने नहीं देंगे। पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं, 99 यज्ञ हो गया, और एक यज्ञ होने से स्वर्गराज इंद्रों का रिकॉर्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, और हो गया ईर्ष्या। चलो देखो दुनिया का हालत, इसका हो गया ईर्ष्या, अब ईर्ष्या होके यज्ञों का घोड़ा चुड़ाने ले जाए, कभी कुछ करे कभी कुछ करे, यज्ञों का घोड़ा चुड़ा के ले जाए,
अब यज्ञ में इतना बाधा कर रहा है, इतना बाधा कर रहा है कि पितु महाराज का लड़का जो है वो गुस्से में आके उसका मारने के बाद में रोका ब्रह्मा, ये इंद्रो तुम्हारा बद्ध योग्य नहीं, तुम बहुत बद करोगे इंद्रो, कोई उचित नहीं है, चलो दोस्ती कर लो, तुम्हारा भगवान भी आया, भगवान ने दर्शन दिया, चलो मान लो तुम्हारा क्या आता जाता है 99 योग्य हो गया, चलो ठीक है, तुम तो भक्ति मार्ग का हो, तुम्हारा भक्ति चाहिए, उसका 100 योग्य चाहिए, छोड़ दो उसको, क्या दरकार है लड़ाई झगड़ा। भगवान ने हाथ छुड़वाया, ऐसा करके देखे तो कर्म मार्ग का आदमी सर्वकत बेचैनी में जीता है, बेचैनी में जीता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अशांतो, सारे बेचैनी से जीता है, किसी का कोई रास्ता नहीं, किसी का कोई मंगल का कोई ठिकाना है नहीं। अब देखो ये श्लोक का याद रखना, भूलना नहीं, आद्यंतो बंतो एवैषां लोकः कर्मो विनिर्मितः दुःखो दर्कास्तमो निष्ठा क्षुद्रा मंदा सुचार्पितः। ऐ सुख किसका है, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीवन। काल चर्चा हो रहा था हमारा, ये जो सन्यासी है कम उम्र वाले जो सन्यासी है अवधूत सन्यासी, इन्होंने जोदू महाराज का पूछने पर उत्तर दिया। महाराज जोदू महाराज ने पूछा, आपका आनंद का ठिकाना कहाँ है, कहाँ से आ रहा है, बाहर में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो ये जो अवधूत सन्यासी ने बताए, जो कुछ भी मेरा अंदर में अच्छा दिखा रहे हैं, अच्छा कुछ देख रहे हो आप सोच लो कि मैं अपना गुरुजी से सीखा। आपका गुरुजी कहाँ है, मैंने 24 गुरु बनाए। अच्छा 24 गुरु बनाया, पहला गुरु का बारे में कहा चर्चा हुआ था, ये मिट्टी खिथी, ये धरती को सहन करना पड़ता है, चाहे कुछ भी करे आदमी कि, लेकिन धरती हर चीज़ को सहन करते 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 इसका सहन का कोई ठिकाना नहीं, इतना सहनशील। तो इसीलिए ये जो सन्यासी है अवधूत सन्यासी कह रहा है कि मेरा पहला गुरु है खिति, इनका जो धैर्य है, बाकी लोगों का तो तसल्ली नहीं है कुछ, बाकी ये धरती का, ये मिट्टी का, धरती का इतना सहनशीलता है, धैर्य है, ये धैर्यशील, इतना इसका धैर्य है और क्षमागुण, कुछ भी करे वो प्रतिशोध लेने के लिए कुछ नहीं बोलते। ऐसे तो हमारा वैष्णव दर्शन में आप अक्सर बोलते रहते हो, वृक्षो जनो कठिलो किछु ना बोलोय, सुकाइया मोइले कारे पानी ना मंगोय, जय जा मांगे तरे दे अपन धन, घर मविष्टि साहे अनेर करे। ये तो भक्ति में ठाकुर जी ने लिखा भजन रहस्य में। लेकिन ये मिट्टी का भी देखो कितना सहनशीलता है और क्षमागुण है, कुछ भी करे क्षमा। काल चर्चा हो रहा था, हमने बोला था कोकिलानम स्मरो रूपम विद्या रूपम कुरूपनाम, और क्या बताया था, ककीलानम स्मरो रूपम और विद्या रूपम कुरूपनम नारीनाम पतिव्रताम, नारीनाम पतिव्रताम और क्षमा रूपम तपस्वीनम, तपस्वी साधु महात्मा ये लोग क्षमा करता है, जैसे वसुदेव जी महाराज कितना क्षमा किया, कितना क्षमा किया वसुदेव जी महाराज, क्षमा करते करते एकदम अंतिम तक क्षमा कर दिया। तो ये जो धरती है, धरती से सीखा है मैंने क्षमा गुण और धैर्य। माटी नीचे है, ऊपर देखे तो पर्वत है, अब पर्वत का कितना महिमा है, देखो अपना झरने का पानी है और फल फूल कंदमूल है,
फल फूल है और गुफा है जिसमें छावा है, शैडो है जिसमें गुफा का अंदर कोई रेस ले सकता, औषधि है, लता पता औषधि है, कितना सारे मणिमुक्ता है, पहाड़ में मिलता है बहुत सारे चीज। ये पर्वत का महिमा है। देखिए जो औषधि है, ये जो मणिमुक्त है, मणिरत्न है, ये जो झरने का पानी है, ये जो फल फूल कंदमूल है, सारे किसके लिए? सारे दुनिया के लिए, अपना लिए नहीं। अपने लिए कुछ नहीं लेते, अपने लिए कुछ नहीं लेते। और इसीलिए पर्वत को मैं गुरु माना। भगवान श्री कृष्ण भी काल चर्चा उठाया था इस बात को। भगवान श्री कृष्ण वृक्षों को दिखाकर जंगल में भटकते हुए भगवान श्री कृष्ण अपना दोस्तों को बोलने, हे दोस्तों देख लो, ये जो पेड़ पौधा है, ये जो पेड़ पौधा है देखो कैसा महिमा है। अहो एषां वरं जन्मो सर्व प्राणी उपजीविनम सुजनस्य एव जेषां वै विमुखा जन्तिनार्थिना। कोई अगर कुछ चीज मांगने के लिए आए ये वृक्षों के सामने, चाहे फल मांगे, फूल मांगे, पत्ता मांगे और लकड़ी मांगे, सब देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये देखो ये कितना श्रेष्ठ जन्म है, सर्व प्राणी को देते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। अहो एषां वरं जन्मो सर्व प्राणी उपजीविनम सुजनस्य एव सर्वेषां वै विमुखा जन्ति नार्थिना। सुजन व्यक्ति का मापिक औरों का हित के लिए, औरों का हित के लिए जीता है। देखो अपना कुछ नहीं। काल ये भी बताया था जे नदी का पानी जो है ये अपना पानी खुद पीते नहीं, और ये जो वृक्ष है अपना फल फूल को खाते नहीं, और मेघ जो है, जो बादल है, वो अपना बरसाने का बाद ये दावा नहीं करते कि हमको भी दे दो, शेयर दे दो। जो फसल उगा है, जो फसल आप उगाए हैं, तो ये तो मेरा भी शेयर है, मैंने कितना परिश्रम किया, अपना पानी बरसाया, जब ही ना हुआ तो ऐसा नहीं बोलते। इसलिए चर्चा हुआ था जलानी तासाम न पिबंति नद्यः, हैं बताया था ना कल, फलानी तद्वत् न खदन्ति वृक्षः नादन्ति सस्यानि कदा मेघा कदाचित परोपकारायो सतांग विभूति। परोपकारायो सतांग विभूति, संत महात्मा का जिंदगी औरों के लिए होता है, भगवान का सेवा करने के लिए, दूसरों को मंगल के लिए होता है। भगवान ने बोला यही जिंदगी का मकसद होनी चाहिए, जे एतावत जन्म साफल्यम देहिनम यह देहिशु, ये देहोधारी जीवों के लिए ये शरीर धारण करने का सबसे बड़ा ऊंचा सगाई है, मकसद है। क्या है? ये प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणन सदा, प्राण तन मन धन लगाकर दूसरे का मंगल करो। प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा एतावद जन्म साफल्यम देहिनम इहो देहिषु। जैसे बोले इतना तक शरीरधारी मानव के लिए एतावद, यहाँ तक सार्थक होता है जिंदगी, सार्थक होता है जो प्राणैर अर्थै तन मन धन, प्राण अर्थ धिया वाचा विवेक वाक्यो सब लगाकर सर्वदा श्रेय आचरण करो। श्रेय माना ऐसा आचरण करो, श्रेय और पेयो, जो नित्य मंगल का रास्ता जो श्रेय, अनित्य अनित्य मंगल का, अनित्य अनित्य विषय का ओर जो दौड़ना है, इसको
प्रेयो, प्रेयो मतलब जो चाहता है, आकांक्षा, जो जो आकांक्षा है उसको पूरा करना, इसका नाम है पेयो, माने जो चाहता है। और श्रेयो मतलब ये अनित्य जिंदगी समझकर मंगल का रास्ते में दूसरे को चलाना, अपने खुद चलना, चलना ये है। चलो ठीक है, अब अवधूत सन्यासी कह रहे हैं कि महाराज ये जो पर्वत है इनसे मैं सीखा, देखो कितना औषधि, झरने का पानी, फल फूल है और पर्वत का गुफा है। पर्वत से मैंने महान परार्थो परथा, सुना नहीं ना, शार्थो परथा, निस्वार्थ परथा और परार्थो परथा। शार्थो परथा मतलब स्वार्थी है, अपना ही चिंता करता है हर वक्त, औरों का चिंता नहीं करते, ये स्वार्थी है। और निस्वार्थ परता मतलब अपना स्वार्थ का ज्यादा चिंता नहीं करते, निस्वार्थ मतलब अपना स्वार्थ का चिंता नहीं करता और दूसरे के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन ये जो विचार है, स्वार्थ परता, निस्वार्थ परता, परार्थ परता, स्वार्थ परता मतलब स्व अर्थ परता से अपने के लिए ही चिंता करते, स्वार्थ परता, निस्वार्थ परता अपना नाई स्वार्थ, कोई स्वार्थों का बारे में चिंता नहीं करता। परार्थ परता मतलब औरों के लिए करना, निस्वार्थ मतलब कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है चलो, ये तो स्वार्थी है, अपना अपना जो कुछ भी है अपना हिसाब किताब बराबर करता है, अरे कम से कम तो नहीं करता, स्वार्थी नहीं है, चलो ठीक है। और परार्थ परतो मतलब इसका परार्थो, परार्थो परोता, निस्वार्थ परोता मतलब कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है चलो, कुछ कुछ बोले कुछ करे, स्वार्थी नहीं है। लेकिन परार्थ परोता मतलब औरों का मंगल के लिए करना, परार्थ परोता। ऐसे तो विचार करके देखे शास्त्रों का अनुसार सौ अर्थो परता इसका माने होता है, संस्कृत में अगर विचार करके देखो, ये तो हमने जनरल लिटरल मीनिंग किया, जनरल मीनिंग। लेकिन स्वार्थो परता का अगर एनालिटिकल व्याख्या करो, सौ माने अपना आत्मा के लिए, सौ मतलब आत्मा जिसको सौ अपना, अर्थो अर्थो परता, सौ आत्मा का चरम मंगल किससे होता है, भगवान, आत्मा का चरम मंगल भगवान का नाम से होता है, भगवान का सेवा से होता है, भगवान का कुछ करने, सौ अर्थो भजन करना, ये सौ अर्थ है। जिसको रुपया पैसा टाका पैसा जो परिश्रम करने के बाद मिलने वाला चीज़ है, इसको जगत का आदमी धर्मो अर्थो काम मोक्षो ये बताता है, इसको अर्थ लगाता है। अर्थ मतलब दुनिया का आदमी सोचता है जो आम जो पैसा लगाया, अपने अपना एनर्जी लगाया, इतना परिश्रम किया, बाद में क्या मिलने वाला, इसका नाम है अर्थ। मेरी ये अर्थ है, मैन टू मैन वेरी करता है, जो अपना एनर्जी लगाया, अपना सब कुछ लगाया, मैन पावर, मनी पावर, उसके बाद जो चीज़ मिलने का आशा रखता है जो हमको ये मिलेगा, ये आदमी के लिए अर्थ है। लेकिन मैंने पारमार्थिक विचार के अनुसार देखे, स्व अर्थो परता इसका सही ढंग से विचार किया जाए, ये जो भजन है, स्व स्व मतलब आत्मा, आत्मा का मंगल भजन में ही होता है। तो देखो ये डिफरेंट डायरेक्शन से विचार करने से अलग अलग विचार होता है। तो ये जो है, ये जो जोदू महाराज जी को ये अवधूत सन्यासी कह रहे हैं कि हम ये पर्वत गुरु का, पर्वत बाबा, पर्वत गुरु का पास ये सीखा है, परार्थ परता मतलब औरों के लिए जीना, ये सीखा है। पर्वत से और ऊंचे, पर्वत से और ऊंचा देखा, पर्वत तो बड़ा ऊंचा है, ठीक है चलो, पर्वत को छोड़ के और ऊंचे आसमान पर देखा, वो आकाश है, आसमान है, तो ठीक है आसमान है, आसमान भी मेरा तीसरा गुरु है,
आसमान मेरा गुरु कैसे है? बोले महाराज, आसमान तो गुरु है ही है, आसमान कहाँ नहीं है? आसमान जो है कहाँ नहीं है? दुनिया में एक वस्तु दिखाओ जिसका अंदर में आसमान नहीं है। आप अगर बोलो महाराज एक लोहे का टुकड़ा है इसका अंदर में आसमान नहीं है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एक लोहे का टुकड़ा है, एक पीतल का टुकड़ा है, ब्रास का टुकड़ा जो भी है, सब कोई का अंदर में स्पेस जरूर है। जिसका जितना डेंसिटी बढ़ेगा उसका ही उतना उसका ही उतना मॉलिकुलर स्पेस मतलब ये जो स्पेस आकाश उसके अंदर उतना ही कम रहेगा, लेकिन आसमान जरूर रहेगा। लोहे का अंदर में भी आसमान है। ये आदमी का विचार यहाँ तक जा नहीं सकता। कोई अगर साइंस पढ़ा है, बहुत सारे ऊंचा एडुकेशन किया है, उसको अगर हम बोले देखो हम ये पूरा धरती को, हम अगर ऐसा बोले, ये गलती है कि नहीं? मैं अगर ऐसा विचार बनाए पूरा धरती को हम एक पॉइंट में ला दें, एक पॉइंट बना देंगे, आप बोले ऐसा संभव है क्या? और क्यों नहीं संभव है? भगवान के लिए सब संभव है। ये पूरा धरती को एक पॉइंट बना देंगे, पॉइंट छोटा सा, बोले कैसे संभव है, कैसे नहीं संभव है? आप अगर फिजिक्स पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, तो इसमें आप विचार करके देखो। क्योंकि डेंसिटी टेंस टू इन्फिनिटी, वॉल्यूम्स टेंस टू जीरो, याद है ना? नहीं पढ़ा? अगर डेंसिटी को, अगर ये धरती मैया का, ये पूरा पृथ्वी का अर्थ, पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी है, पृथ्वी का डेंसिटी एवरेज होता है, क्योंकि एक एक लेवल है ना अंदर में, एक एक उसका एक एक लेवल है, एक एक लेवल में एक चीज़ है, इसलिए एवरेज डेंसिटी बोला। तो ये धरती का जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी को अगर हम इन्फिनिटी का ओर, इन्फिनिटी, ये धरती का जो डेंसिटी है एवरेज डेंसिटी, ये डेंसिटी को अगर इन्फिनिटी तक ले जाए, इन्फिनिटी डेंसिटी टेंस टू इन्फिनिटी, दैट्स मीन वॉल्यूम टेंस टू जीरो। तो ये धरती का इन्फिनिटी, धरती का जो डेंसिटी है इन्फिनिटी तक हम ले जाए, इन्फिनिटी चलते रहे, तो क्या असंभव है ये धरती एक पॉइंट में आ जाए? आप स्वीकार नहीं करते हो। अच्छा बोलो, ये जो इन्फिनिटी वर्ल्ड, ये दुनिया, चांद सितारे हैं, सूरज है, कहाँ गायब हो जाता है? जशैक निशेषितो कालो मथावलंबो जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्मानस इहो जस्व कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तमाम दुनिया का गोविंदो मूल वस्तु है, गोविंद से आए हुए जो महाविष्णु, महाविष्णु का अंदर में तमाम दुनिया चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं? गायब हो जाता है। और ये जो कैसे कैसे सृष्टि रचना होता है, ये बड़ा रहस्यमय चीज है, बड़ा रहस्यमय। ये सृष्टि कैसे होता है, एक से अनफोल्ड हो जाता है, एक से एक ये जो सृष्टि का रहस्य है, धीरे 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 ये खुलते रहते हैं, पूरा सृष्टि, प्रपंच सृष्टि। अब जब ध्वंस होता है, एक का पाप दूसरा सबमर्ज करता है। मेरा बात ध्यान से सुनो, कभी इस विषय में हम चर्चा करेंगे जरूर, सृष्टि का बारे में, कैसे कैसे सृष्टि होता है और कैसे जगत प्रपंचों का प्राकट्य होता है, देवता लोग, असुर लोग, मानव लोग, अब कितना सारे प्राणी इसका अंदर में, और जब सृष्टि ध्वंस होता है तो कैसे कैसे एक सृष्टि का वस्तु दूसरे का साथ सबमर्ज करता है, तीसरा चौथा का साथ, चौथा पांचवा का साथ सबमर्ज करते 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 अंतिम में बस सब समा जाता है। तो ये आसमान है, आसमान मेरा गुरु है, हर वस्तु का अंदर में आसमान है,
चाहे लोहे का टुकड़ा हो या पीतल का टुकड़ा हो, सोने का टुकड़ा हो, कई भी चीज हो, कई भी चीज हो, मैं बोलना नहीं चाहूं, हर चीजों का अंदर में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ये जरूर है। इसका मतलब आसमान है, आसमान है। तो आसमान क्या है, हर वस्तु का अंदर बाहर में रहते हुए भी क्या करता है, वस्तु का दोष क्या, आसमान अगर लोहे का अंदर में रहे, लोहे का दोष का साथ वो जोड़ जाता है क्या, लोहे का जो कालापन है जोड़ता है, नहीं जोड़ता है। कोई भी वस्तु देखो, एक कोई भी वस्तु आप उठाओ, किसी का अंदर में आकाश जरूर है, लेकिन वो होते हुए भी उस वस्तु, जिस वस्तु का अंदर में आसमान है, वो वस्तु इसका साथ जोड़ता नहीं, इसका वस्तु का जो संग दोष, संग दोष सबसे बड़ा दोष है। आपका जिंदगी में जितना भी नुकसान हुआ है या तो होने वाला है, आप तो होगा है, जो कुछ भी होने वाला है, कुछ भी विचार करके देखना, ये संग के कारण है। संगो जो संग से रहतो अस्वस्थ हितो भिया विहितो धिया स्वयं साधुसुकृत निस्संगताय कल्पते। कपिल जी महाराज अपना मैया को कह दी, मैया संगो, ये संसार का कारण संगो है। आप अगर संगो नहीं करते हो या तो एकदम सत्संग करते हो तो हम अभी थप्पा मार दे, थप्पा स्टैंप मार दे, आपका मंगल 100% होना ही है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, किस लिए, क्योंकि आपका संग जो है ये मिलावटी संग है। कभी हरि कथा सुन लिया, अच्छा चलो ठीक है सत्संग कर लो, कभी छोड़ दिया असत्संग कर, कभी टीवी देखने के लिए बैठ गया, कभी क्रिकेट देखने, कभी दोस्तों का साथ चला गया, अरे थोड़ा आइसक्रीम खा ले, अरे हम लोग तो स्पोर्ट्स भी नहीं करते। ये जब बाहर का जो डाब बिक्री होता है, डाब जानते हो, ग्रीन कोकोनट, हम तो लेते ही नहीं, क्योंकि एक आदमी सोचा महाराज, एक आदमी बोले महाराज डाब पाल पी लो, है ना, मतलब आप पाते नहीं कुछ, डाब तो पालो कम से कम, नहीं डाब भी नहीं पाएंगे, क्यों, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, आपका दिमाग में नहीं आएगा, क्यों, क्या दिमाग में नहीं, ये जो डाब वाले है ना, हाँ हाँ, ये जो डाब वाले बैठा हुआ है, ये डाब जो है काट रहा है दूसरे को, तो क्या हुआ, तो क्या क्यों, अरे पागल, वो तो डाब खाता है, हाँ खाता है तो क्या है, उसके बाद बोले इसका अंदर में मलाई है महाराज, इसको काट के दो, तो वही कटारी है, उसका झूठन है, तुम्हारा दिमाग में घुसेगा नहीं, हम तो स्पर्श नहीं करेंगे, खाना भी है पूरा पेड़ से लेके आ जाओ, यहाँ घर में कट के ठाकुर जी को लगाओ, झूठन है सब, दिमाग में चिंता ही नहीं है, ये इतना छोटा चिंता करते इधर से इधर इधर से इधर और कुछ देखना नहीं जानता। दृष्टि का संप्रसारण यही भजन है, दृष्टि का संप्रसारण, सम्यक रूप परफेक्टली दृष्टि का विकास, इसका नाम है भजन, समझा कि नहीं। दृष्टि अगर खोल गया तो कहाँ लड़ाई है, कुछ नहीं है, कहाँ लड़कीबाजी हो रहा है, कहाँ धप्पाबाजी हो रहा है, कुछ नहीं है। दर्शन का संप्रसारण, रेक्टिफिकेशन, इसका भजन। तो महाराज जी का कहना है, ये जो अवधूत महाराज जी का कहना है, आसमान महाराज हर वस्तु में है, कहाँ नहीं है, मैंने प्रमाण कर दिया, लोहे का अंदर में भी स्पेस है, और कॉपर और ब्रास, कोई भी आइटम, पीतल सोना चांदी, किसी भी आदमी, किसी भी वस्तु, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई भी वस्तु, हर कोई का अंदर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जरूर है। अरे जो स्पेस है ये आसमान है, तो महाराज कोई भी वस्तु का अंदर में ये आसमान रहने का बावजूद ये इस वस्तु का दोष और गुण से जोड़ता नहीं है। वाह ब्यूटिफुल, ये जो निस्संगता, निस्संगताय कल्पते, संगो जो संग से तेरे हेतु हो अस्वस्थ भी तो धिया
स्वयं साधुसुकृत निस्संगताय कल्पते। कितना निस्संग रहता है एक संत महात्मा जो है, निस्संग रहता है। कोई भी परिस्थिति में ले चलो उसको, किसी भी बाजार में, किसी भी हाट में, किसी भी जगह। श्रील वामन जी महाराज कहते थे जे हम चारों ओर हल्ला गुल्ला हो रहा है, चारों ओर भीड़ भड़का है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, इसी में मैं निर्जन रह सकता हूं। इसका माने समझा नहीं महाराज, इसका माने आप समझोगे नहीं। वामन जी महाराज कहते थे चाहे जितना भी हल्ला गुल्ला हो जाए, लेकिन ये हल्ला गुल्ला इतना छारे लोगों का उपस्थिति, लेकिन इन सभी का अंदर मैं एकांत में रह सकता हूं। इसका माने आम आदमी समझेगा नहीं। इसी को बोला है गुरु सेवा। गुरु सेवा के द्वारा तमाम वस्तु का साथ जो एक संबंध बन जाता है, भगवत संबंध से जोड़ जाता है उसका, ये जो वस्तु व्यक्ति है इसका परेशान का कारण नहीं बनते। जब भगवत संबंध में जोड़ जाता है ना, तो कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति इसका लिए परेशान का विषय नहीं होता। इसीलिए निर्जन, निर्जन परेशानी किस बात का है? परेशान कौन रहे, कौन कर रहे हैं? कोई तो कर रहा होगा, चाहे अभी सामने नहीं है, पहले किया था उसका टेंशन हो रहा है। मतलब आप देखो ये जो परेशानी है, ये जो टेंशन है, इसके लिए कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई व्यक्ति, वस्तु, सरकमस्टेंसेस रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन साधु इससे परे हैं, साधु इसका अंदर में अटैचमेंट नहीं है, ना तो ये अटैचमेंट हो जाता है, ना तो किसी का साथ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता। तो साधु का लिए हर हालत में संभव है। तो आकाश जो आसमान गुरु से महाराज मैंने इन निस्संगता सीखा है। अवधू सन्यासी कह रहे हैं महाराज हमारा चारों ओर विशाल वायु राशि है, वायु का समुंदर में, हंसो मत मेरा कहने, हम जो है ना ये वायुमंडल का समुंदर में है, ये वायु में डूबा हुआ है ना, चारों ओर वायु है, आपका समझ में नहीं आता। हम लोग वायुमंडल का समुंदर में है, पता नहीं चलता। कभी सोचा नहीं है, ये जो चारों ओर देखा तो चारों मन में वायु बह रही है, चारों ओर वायु बह रही है, और वायु छोड़ के तो सांस लेना भी मुश्किल है। तो वायु का समुंदर में रहते हुए मैंने ये विचार बनाया, देखो ये वायु जो यहाँ से यहाँ बहती जा रही है, लेकिन जब यहाँ से वहाँ जाए तो फूलों का सौगंध और कोई टट्टी पेशाब का दुर्गंध या तो मुर्दा का सरा हुआ पचा सरा हुआ दुर्गंध दूषित वायु को लेके आता है ना। फिर भी वायु इसका साथ, ये जो वायु जो है निर्लिप्त, इसका साथ ए तैने क्यों ऐसा दिया बोल के एक मुक्का मारे, ऐसा नहीं, तैने क्यों ऐसा टट्टी का गंध दिया मेरे को, मैं नहीं ले जाऊं, मैं लड़ाई नहीं कर रहा है, निर्लिप्त हो। इसका अंदर सारा सौगंध रहे या दुर्गंध रहे, ये कुछ भी रहे, वायु निर्विकार है, निर्लिप्त है। ये वायु का पास मैंने ये निर्लिप्त भाव, चाहे दूषित परिवेश और बड़ा मुसीबत में रहते समय भी ये निर्लिप्त रहे, इसी में निर्लिप्त होके वायु मेरे को ये सिखाया। वायु मेरे को निर्लिप्तता कैसे निर्लिप रह सके, ये वायु मेरे को सिखाया। ठीक है, हमारा पंचम गुरु है अग्नि। अच्छा हाँ, अग्नि मेरा पंचम गुरु है। कैसे गुरु है, बोले अग्नि हर वस्तु का अंदर में रहता है, चाहे आपका अंदर में, मेरा गीता पढ़ा नहीं, गीता में लिखा है, भगवान बोला है अग्नि रूप में मैं हर प्राणी के अंदर में हूँ, और जो खाना पीना जो पचता है, हजम होता है, ये भी जठराग्नि नाम सुना ना, जठराग्नि, भगवान कहते हैं कि मैं जठराग्नि रूप में
सब पानी का शरीर में रहता हूँ, जैसे शरीर का ताप बनता है, अगर शरीर का अग्नि खत्म हो गया तो मौत आ जाएगा, सारे शरीर बर्फ से पूरा एकदम सर जाएगा, खराब हो जाएगा। शरीर गर्म है, इसका अंदर में जो कुछ भी है सब जी रहा है, ये गर्म के कारण। ये जो है, ये जो अग्नि है, ये मेरा पंचम देवता है। अग्नि हर बस्ती में, हर जैसे दो जैसे लकड़ी का अंदर में भी अग्नि है, दो लकड़ी को घिसो, घिसते घिसते छट से अग्नि जल गया तो अग्नि नहीं है, बोल नहीं सकता, अग्नि तो है। अग्नि हर वस्तु में निविष्ट होकर भी घर्षण करने से व्यक्त होता है, प्रकाशित होता है, नहीं तो अप्रकाशित होकर रह जाता है। अग्नि का घर्षण, दो वस्तु का घर्षण हो जाए, पत्थर पत्थर और लकड़ी लकड़ी, तो ये अग्नि व्यक्त हो जाता है, प्रकाशित। जैसे मैचिस है ना, ये बारूद का साथ एक काठी का फ्रिक्शन हुआ तो अग्नि पहले भी था, ये मैचिस का अंदर में है, अग्नि नहीं है कैसे बोल सकता, अग्नि तो है ही है, अग्नि नहीं है तो कहाँ से आया। अग्नि अगर नहीं है तो महाराज कहाँ से आ गए, अग्नि है लेकिन चुपके से है, अग्नि है लेकिन चुपके से है। घर्षण के द्वारा अग्नि प्रकटित हो जाते हैं। अग्नि गुरु मेरे को सिखाया ये भगवान हर जीवों का अंदर में विराजमान है, लेकिन जब भजन करो, भजन के द्वारा फ्रिक्शन हो जाए तब प्रकाशित हो जाए। वाह, ब्यूटीफुल, कैसे सुंदर, देखो जीवों का अंदर में, जीवों का अंदर में, हर जीवों का अंदर में भगवान विराजमान है, लेकिन भजन साधन के द्वारा ही भगवान का प्रकटो हो सा प्रकाशित होना संभव है। ऐसे तो हर आदमी का अंदर, हर प्राणी का अंदर भगवान है ही है। ये साधन रहस्य जो है अग्नि का बराबर है, ये जो साधन रहस्य ये अग्नि का बराबर है। अग्नि से मैंने ये सीखा है। पानी मेरा 6 नंबर का गुरु है, पानी मेरा 6 नंबर का गुरु है। ये जो पानी है मेरा 6 नंबर का गुरु है, कैसे बोले, इसको गुरु माना इसलिए पानी में स्नान करो, मुँह हाथ धो लो, पानी पी लो, पानी में अपना जितना सारे गंदगी है शरीर का डालो, लेकिन पानी पवित्र हो। पानी का प्यूरिटी है, पवित्र है, क्योंकि पानी में नारायण रहता है, नारायण पानी में जिसका शयन है, और जो तमाम अनंत जीवों का जो आधार है, इसका नाम नारायण, नारायण, नार पानी में जिसका अवस्थिति है, ये पानी भी नारायण से आया है। अपना प्रोसेस्ड पानी, अपना जो स्वेट है, घाम पसीना, ये नारायण का, और पानी प्यूरिटी है बोल के हम लोग आचमन करते रहते हैं, पानी में नहते हैं, पानी के द्वारा शौचाचार जितना सारे क्रियाक्रम है करते, किस लिए बोले महाराज का अपने पानी से कपड़ा धोता है, शरीर धोता है, पानी प्यूरिटी का प्रतीक है, पानी इज अ सिंबल ऑफ प्यूरिटी। पानी मेरा 6 नंबर का गुरु है, और जलपान करके आदमी तृप्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है, स्निग्ध हो जाता है, स्निग्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, पानी में नहाने का बाद पवित्र महसूस करता है। ये पानी का पवित्रता देखा है मैंने, पानी का जो प्यूरिटी है, पवित्रता है, पानी का है, इसीलिए ये पानी से मैंने ये सीखा है। देखो मधुर वाक्यों के द्वारा दूसरे को तृप्त करो, और धर्म उपदेश के द्वारा माँ आदमी को पवित्र करो, ये स्निग्धकरण और पवित्रकरण मैं पानी से सीखा। पानी से मैंने ये सब सीखा, कैसे लोगों को मंगल किया जाए, पवित्र किया जाए, हैं,
ये धर्म का उपदेश दिया जाए, पानी जैसे पवित्र है औरों को भी पवित्र बनाता है, मैं पानी से ये सब सीखा है। और मेरा 7 नंबर 8 नंबर गुरु है सूर्य और चंद्रमा। मेरा 7 नंबर गुरु सूर्य है, मेरा 8 नंबर गुरु चंद्रमा है। वो कैसे बोले, ये जो मेरा 7वां 8वां गुरु सूर्य किरण, सूर्य का जो किरण है किरण माला, सूर्य किरण के द्वारा पृथ्वी का पानी खींचता है। सूरज भगवान जमीन से या पानी का नदी से पानी का तालाब से सूरज क्या करता है भाई, जो सूर्य किरण के द्वारा किरण माला के द्वारा पृथ्वी का पानी रस वो खींच के लेता है, और खींच के ले जाने के बाद आसमान में बादल पैदा कर देता है, और बादल पैदा करने के बाद फिर से हर वस्तु और व्यक्तियों में बरसात कराता है, बारिश हो जाता है, और बारिश होने के बाद ये अनाज उत्पादित होता है। सूरज किरण के द्वारा पृथ्वी का जो रस खींच के लेता है, फिर ऊपर से बादल का रूप से क्या करता है, ये जो कर्षित भूमि, ये जो आबादी भूमि का ऊपर वर्षण बारिश कर दिया, उसके बाद अनाज उत्पन्न होगा शस्य उत्पादन कर देता है। सूर्य मेरा गुरु ये शिक्षा दिया है, किसी का पास अगर थोड़ा भी उपकार मिला, कुछ मिला, उसका कई गुना उसको वापस दे दो। मैं सूरज का बात ये सीखा कि किसी का पास अगर थोड़ा सा भी कुछ मिले उसका एहसान मानो और देने का टाइम में कई गुना दे दो। ये सीखा है सूरज का साम, सतगुण रिटर्न, इसका प्रत्यार्पण, अतः जो लिया है इसका वापस दे दो, शतगुण 100-100 गुना ज्यादा दान करके फिर भी अभिमान नहीं करना कि मैंने दिया, ऐसा नहीं करना। दान करके इतना दान किया, आप ही दान करने के बाद अगर अभिमान किया तो दान नहीं हुआ। दान करके कभी अहंकार नहीं करना। सूर्य गुरु, सूर्य देव मेरा गुरु है, ये दान धर्म और निराहंकार धर्म, ये दान धर्म है और निराहंकार भाव जो है ये दान धर्म है और निराहंकार जो विचार है हमने सीखा। और चंद्रमा देखो, शुक्ला प्रतिपद से लेकर हर दिन छोटा 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 करके ये बढ़ते, उसका कला बढ़ते रहते हैं, और पौर्णमासी का दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई पड़ता है ना। तो ये जो शुक्ला प्रतिपदा, ये जो शुक्ला प्रतिपदा से लेकर धीरे धीरे हर दिन चंद्रमा का एक एक कला करके वृद्धि होता है, और कृष्ण प्रतिपदा से लेकर धीरे धीरे एक एक कला का क्षय, एक एक कला का क्षय होना, ये मैंने सीखा है। वास्तविक रूप में चंद्र का ये जो कला क्षय और वृद्धि ये वस्तु तो चंद्रमा का नहीं है। सच पूछो, ये जो कला का क्षय और वृद्धि ये चंद्रमा का खुद का नहीं है, ये पृथ्वी, ये धरती, सूरज और चंद्रमा का जो पोजीशन है इसके लिए लगता है। ये जो सूर्य का जो स्थिति है,
पृथ्वी का धरती का जो स्थिति है और चंद्रमा का जो स्थिति है इसीलिए ऐसा दिखाई पड़ता है। वास्तविक पक्षे इच्छाएं और विधि कला का ये चंद्रमा का नहीं है, ये दिखाई पड़ता है। मैंने ये चंद्रमा गुरु से सीखा। देखो ये जो छाय विधि चंद्रमा का नहीं है, ये जो मेरा बुढ़ापा आता है, बचपन में जन्म लिया, संस्कार हुआ, वृद्धि हुआ, बालक हुआ, उसके बाद यौवन आया, उसके बाद बुढ़ापा आया धीरे धीरे और मौत का गोदी में ढल गया। ये जो है मैंने चंद्रमा का साथ तुलना किया, चंद्रमा गुरु ने मेरे को सिखाया। देखो जैसा ये चंद्रमा का क्षय और वृद्धि चंद्रमा का खुद का नहीं है, ऐसा मैंने सीखा ये शरीर का वृद्धि होना, नाश होना, क्षय होना, ये आत्मा का नहीं है, ये आत्मा का नहीं है, ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर आत्मा घुस जाते हैं, आत्मा घुस जाती है किसी शरीर का अंदर में, मैया का कोख में, और फिर जन्म लेता है आत्मा। ये लड़का लड़की या तो कुत्ता बिल्ली सब धीरे धीरे जन्म होता है। ये जो क्षय विद्रि जन्म लेना, जन्म वृद्धि इसका बाद अपक्षय परिणाम अपक्षय, ये जो है ये आत्मा का नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है नित्य वस्तु है। आत्मा का किसी का साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जो हो रहा है सिर्फ शरीर का। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम, ये होते रहता है। इसमें घबराने का कोई बात नहीं, ये शरीर का तो होगा ही, लेकिन आत्मा का साथ ये मौत का, ये वृद्धि का, ये बुढ़ापा का, ये जवानी का, ये कुछ संबंध नहीं है, लेकिन दिखाई पड़ता है। मैंने ये सीखा है मेरा अष्टम गुरु, मैंने ये सीखा है मेरा अष्टम गुरु चंद्रमा का पास। मेरा गुरु चंद्रमा आठ नंबर गुरु अष्टम गुरु मैंने सीखा है। देखो क्या बात है, कितना विचार बनाया। और मेरा नौवां गुरु है ये कबूतर कौतरी ये सीखा है। इन्होंने दो बच्चा पैदा किया, ठीक है, अंडा से बच्चा पैदा हुआ और धीरे धीरे बढ़ रहा है, उतना उसका क्षमता नहीं है कि उड़ के चले जाए। अब मैया है, थोड़ा खाना दे के दे दे, धीरे धीरे खाते पीते फिर बाद में जाकर जब उड़ना सीखता है तो उड़ता है। अभी ये दो बच्चा पैदा हुआ है, किसी शिकारी ने आया है, शिकारी ने आके देखा, अरे ये तो दो बच्चा पैदा कर दिया पंछी ने, ये दो बच्चा को लेने के लिए वृक्षों के नीचे जाल बिछाया और दो बच्चा को ऐसा हालत पैदा कर दिया कि वो छलांग लगाकर और ये जो कौतर कौतरी अपना बच्चा का पालन पोषण के लिए दाना पानी लाने के लिए उड़ के गए और बच्चा अकेला है। अब बच्चा को लेने के लिए क्या की, शिकारी ने जाल बिछाया पेड़ का नीचे, इच्छा करके बदमाशी करके धक्का लगाकर ये दो बच्चा को जाल में गिराया धक्का लगा दिया, थोड़ा सा छोटा सा उड़ने का, ये तो उड़ के जाने का कोई क्षमता नहीं है, धक्का लगाकर फेंक दिया जालों के अंदर।
और फिर बाद में कपती मैया आके देखी हमारा बच्चा नहीं है, कहाँ गया, नीचे देखा जाल का अंदर फंस गया। हाय राम, मेरा बच्चा गया, मैं गया हैं करके वो बच्चा का लिए, बच्चा का प्यार से रहा नहीं गया, बच्चा का लिए इतना बच्चा का लिए इतना प्यार है, कौतरी को रहा नहीं गया, उन्हें छलांग लगाई और नेट जालों का अंदर में फंस गई। कुछ देर बाद फिर कोपोत आया, कौतर आया, कौतर आके देखा अरे राम रे क्या हालत है, सब चिल्ला रहा है ये तो अंदर में फंस गया जालों का अंदर में, और ये कौतरी और बच्चा दो ये भी रो रही है, क्या करे। और कौतर भी उसको भी इतना अट्रैक्शन है, स्नेह बंधन है, उसको भी रहा नहीं गया, उन्होंने चिल्ला चिल्लाते अंतिम में अज्ञान के कारण जाल का अंदर में छलांग लगाया। और जब जाल का अंदर में छलांग लगाया तो आ गया जो शिकारी है, उसके लिए दो बच्चा एक कौतरी मिल गया, बस आराम से चला गया। ये कौतरी इन लोगों से मैंने सीखा है। कौन बोल रहा है? अवधूत सन्यासी कह रहे हैं कि ये दोनों से मैंने सीखा है कि ज्यादा अफेक्शन इज नॉट गुड, ज्यादा इसका ऊपर उतना आकर्षण उचित नहीं है। चलो ठीक है, मेरा लड़का है लड़की है, ऐसा कोई किसी का ठीक है चलो, लेकिन उतना आकर्षण, ट्रिमेंडस अट्रैक्शन जो फांसी का फंदा बन जाए, ये उचित नहीं है। और पिताजी के सामने बच्चा प्यारा होता ही है, लेकिन बच्चों को शासन करना भी गुरुजी पिताजी का। चाणक्य जी पंडित ने लिखा है लालयत पंचवर्षाणी तारयत दशवर्षाणी प्राप्ते तु षोड़शो वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरित। क्या बताया ये चाणक्य जी ने बताए? क्या बताए? जब 5 साल तक प्यार करोगे, चुम्बन करोगे, चाणक्य जी ने लिखा 5 साल तक पिताजी बच्चा को जरूर प्यार करे, लड़का को या लड़की को कोई भी, लेकिन 5 साल का ऊपर चले जाए उसका बाद शासन है, क्या कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर शासन ना करे वो कुत्ता बिल्ली बन जाएगा, आदमी नहीं जाएगा। तो लिखा हुआ है लालयत पंचवर्षाणी, 5 साल तक लालन पालन करना, तारयत दस वर्ष से शुरुआत किया 5 खत्म हुआ, 10 साल तक पूरा शासन। और जब बच्चा 16 साल का हो जाता है होश संभालता है, और जब बच्चा 16 साल का हो जाता है पूरा 16 साल का ऊपर, तब पुत्रम मित्रवत आचरे, पुत्रों का साथ और हल्ला गुल्ला पिटाई झगड़ा नहीं करना, अब इसका सम्मान है, इसका साथ दोस्तों का माफी रहना। तो इसलिए कितना सुंदर है ये याद करो, लालयत पंचवर्षाणी तारयत दशवर्षाणी प्राप्ते तु षोड़शो वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरे, दोस्तों का माफी रहना। तो गुरुजी का अगर काम शासन करना नहीं है तो कौन शासन करेगा? गुरुजी अगर कहे कि हम शासन नहीं करेंगे, चलने दो, तो कौन शासन करेगा? ये खतरनाक गुरुजी है जो शिष्यों को शासन नहीं करते, ये तो एकदम सत्यानाश कर देगा। जो गुरु शिष्यों को शासन नहीं करते, मंगल नहीं चाहते, तो गुरु कैसा गुरु है? ये तो शास्त्र में लिखा है, ये तो गुरु है, अमंगल कर देगा शिष्यों के लिए। तो बोलना, शासन करना,
ये संत महात्मा का ये प्यार है, ये कृपा है, इसी से परेशान होना ठीक नहीं है। गुरु वैष्णव का जो शासन है, गुरु वैष्णव का जो पनिशमेंट दे रहा है, क्योंकि गुरु वैष्णव का क्षमता है लार प्यार करना और इसको शासन करना, अनुशासन में रखना शिष्यों को, ये दोनों का ही, दोनों ही काम है गुरु का। गुरु अगर ना करे, पतिग्रह अनुग्रह, पतिग्रह करना और अनुग्रह करना, पतिग्रह नहीं अनुग्रह करना और शासन करना। पतिग्रह मतलब भिक्षा करना, ये तो सन्यासी लोगों का काम है। पतिग्रह मतलब भिक्षा करना, अनुग्रह मतलब कृपा करना। आई बात समय में? तो ये जो है मैंने सीखा, ये कपत कपती, ये कौतर कौतरी, ये जो कौतर कौतरी, इनसे मैंने सीखा कि ज्यादा प्यार करना अपना मौत का भी कारण हो सकता। ज्यादा प्यार करना संतान का ऊपर बात्सल्य रहना ये स्वाभाविक है। अपना संतान अपना शिष्यों का ऊपर बात्सल्य प्यार रहना ये कोई दोष नहीं है, लेकिन निराधार निराधार जो बात्सल्य है उचित नहीं है, इसमें बिगड़ जाएगा हालत। अरे हमारा शिष्य उल्टा कर रहा है, हम मारेंगे नहीं, थप्पड़ लगाएंगे, तो कौन शासन करेगा? हम कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, साधु का काम ही है बोलना। साधु का अगर चुप करके लॉक एंड की कर दिया क्या काम का, साधु तो देखेगा क्या गलती कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये कहना ही तो काम है। साधु का काम क्या? सदगुरु मिले भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कैला का मैला छठे, छूटे जब आंख करे प्रवेश। तो मैंने एक कौतर कौतरी से ये सीखा है कि महाराज ज्यादा बात्सल्य उचित नहीं है। बात्सल्य तो उसका नहीं है, बात्सल्य स्वाभाविक रहेगा, बात्सल्य रहना ये कोई दोष का कारण नहीं है, लेकिन ज्यादा बात्सल्य रहना ये सर्वनाश का कारण बन जाएगा, फांसी का फंदा। ये मेरा नौमा गुरु गया, ये जो कपत कपती हैं, और मेरा दसवां गुरु है अजगर। अजगर ये तो साफ है, हाँ ये अजगर मेरा दसवां गुरु है। कैसे? बल अजगर आहार के लिए खाने के लिए भागा दौड़ी नहीं करते, अजगर अपना खाना जुटाने के लिए भागा दौड़ी नहीं करते, अजगर एक ही जगह पड़ा रहते और किसी भी हालत से ठाकुर जी का कृपा से कुछ सामने मुखों का मुख जवान के सामने आ गया तो खा लेता, निकाल लेता। ये अजगर मेरा दसवां गुरु है। अजगर से मैंने सीखा है जो अपना आहार करने के लिए, भोजन करने के लिए प्रयास पे चेष्टा का जरूरी है नहीं, अपने आप जिस प्राणी का लिए जिस खाना लिखा हुआ है। ये कार्तिक दामोदर महीना का पहले कलकत्ता से एक भक्त आए, बड़ा वो सहयोग करते हैं, उसका ड्राइवर खाया नहीं, ड्राइवर के लिए खाना बना, उसका तकदीर में नहीं है, खाया नहीं, खाना तकदीर में है तो खाएगा, नहीं खाई खाएगा। बनने का बाद भी ऐसा भी देखा है, खाना बन गया, ठाकुर जी को भोग लगाया, खाने के लिए थाला लेके बैठा ही है, खाना परोस दिया, अचानक खबर है ये माता जी का हार्ट फेल हुआ, बस खाना तो हो गया, खाना बन गया, ठाकुर जी का भोग लग गया और थाले पे मेरा दे दिया, सब कुछ हो गया, अब उठा के खाना है, उठा के खाना है और कुछ नहीं। इस बीच में क्या हुआ? भले अचानक खबर आया माता जी का हार्ट फेल, खाना रह गया, वो चला, खाना टच भी नहीं की, टच भी नहीं की। और मियां बीबी खाने के लिए तैयारी की, सब कुछ हो गया और खाने का परस भी दिया है, दे दिया थाली पे, उसके बाद झगड़ा लग गया मियां बीबी और उठ के चले, खाओ तुम, हम चले,
मैं चला गया, खाना भी नहीं हुआ उस दिन, उसका खाना लिखा नहीं, उस दिन उसका खाना लिखा नहीं है, खाया नहीं, वो होना ही था, होनहार का खेल है। दे ये अजगर है, ये मेरे अजगर से मैंने सीखा कि आहार के लिए कोई चेष्टा अजगर नहीं करते, अपने आप जो सामने आ जाते हैं इसके द्वारा ही अपना स्वास्थ्य रक्षा करते हैं। अजगर गुरु मेरे को सिखाया अपना शरीर जीव, अपना शरीर जीवन जिंदगी को चलाने के लिए ज़्यादा प्रयास प्रचेष्टा उचित नहीं है। ये अजगर गुरु ने मेरे को सिखाए, ये जो शरीर है, शरीर का आयेश आराम जीवन जिंदगी को आयेश आराम से गुजारने के लिए ज़्यादा प्रयास प्रचेष्टा उचित नहीं है। ये अजगर गुरु ने मेरे को सिखाया अपना शरीर यात्रा चलाने के लिए ज़्यादा कोशिश करना, उठपटांग करना उचित नहीं है, जो स्वाभाविक है वही करो। जिंदगी में कोई बंदा, जिंदगी में कोई बंदा ऐसा नहीं कि दुख को चाहे, मेरा जिंदगी में दुख आ जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। कोई बंदा अपना जिंदगी में दुख को बुलाते नहीं है, लेकिन दुख आ ही जाता है, दुख आता है बिना बुलाए, बिना बुलाए, बिना बुलाए दुख चले आता है, बुलाया नहीं। और सुख हर आदमी चाहता है लेकिन सुख रहता नहीं, हर आदमी सुख चाहता है मेरे जिंदगी में सुखों से बढ़ जाए, आए आराम से बढ़ जाए, लेकिन सुख आता नहीं, दो पल का सुख है और बाकी जिंदगी अंधेरा में गुजर जाता है। कितना देखा है, शादी हुआ है, बस शादी हुआ है, दो महीने भी नहीं हुआ, एक महीना समथिंग, अब बस एक्सीडेंट में पत्नी गया। ये चाकदा में एक लड़की देखी, माधवी बोल के चाकदा में, वो शादी हुई, शादी के बाद एक महीना का अंदर में पति बस एक्सीडेंट में मारे गए। हरी कथा सुनने आती थी, हमने बोला क्या है, बोले महाराज मैंने देख लिया, ये शादी करने का लड्डू, ये शादी करने का जो लड्डू है मैंने देख लिया, खा लिया, और दरकार नहीं, अब हम नहीं करेंगे, हरी कथा सुनेंगे, और सुनो जो इच्छा करो। तो मेरा ये जो गुरु है, दशम गुरु है, ये अजगर है, अजगर से मैंने ये सीखा अपना जीवन जिंदगी को गुजारने के लिए ज़्यादा प्रयास प्रचेष्टा उचित नहीं है। स्वाभाविक रूप में शरीर रक्षा करने के लिए जो चले ठीक है चलो, और दुख का सुख किसी को बुलाने से आता नहीं और नहीं चाहने से भी जाता नहीं, सुख हर आदमी चाहता है लेकिन रहता नहीं, चले जाता है, और दुख कोई नहीं चाहता, बिना बुलाए आ जाते हैं। ये जो तकदीर में, ये जो तकदीर में जो लिखा हुआ है वो होगा ही। मैंने देखा एक बेसहारा भिखारी का लड़का, ये भिखारी का लड़का करोड़पति, उसका कोई लड़का लड़की नहीं है, इसको आश्रम से उठा के लेके गया, उसके बाद उसको बना दिया मालिक। देखो भिखारी है, ये जो आश्रम है ना, आश्रम से उठा के लेके गया, इसको बना लिया, लड़का बना लिया। ऐसे तो शिल भक्ति जो माधव गोस्वामी महाराज के जिंदगी में भी है, हमने पढ़ा है, बार बार बोलते रहते हैं, शिल माधव महाराज जी जब गुरुचरण के लिए ढूंढते हैं और हिमालय में आकाशवाणी हुआ, तुम्हारा गुरु इधर नहीं है, हिमालय में नहीं है, तुम चले जाओ बंगला, वहाँ तुम्हारा गुरु है, नवद्वीप में जाओ, भेज दिया। अब गंगा में नहाते समय इतना सुंदर, हैंडसम, ये दिखा ही नहीं कभी, एक पति पत्नी, सेठ और सेठनी, सेठ और सेठनी दोनों ने देख ली, अरे बच्चा तो बहुत सुंदर है दिखने में, अच्छा इसका साथ बात करें कि हमारा लड़का तो बन जाए तो हम दे देंगे, जितना सारे जमीन जायदाद, जितना सारे जमीन जायदाद है सब लिख देंगे। और बच्चा को बुलाया, बच्चा मैंने लड़का को बुलाया, माधव महाराज जी गया, तब तो बच्चा था गणेश, उसका नाम था गणेश, और गया, बोले क्या है मैया, बोले तुम हमारा लड़का बन जाओ, हम कैसे, मलना अब तुम हमारा, जितना सारे हमारा जमीन जायदाद है सारे तुम्हारा नाम में कर देंगे। माधव गोस्वामी मेरा बच्चा है, बोले महाराज
हम तो घर से निकला ठाकुर जी के लिए। अरे ठाकुर जी क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा कोई ठिकाना है नहीं, ऐसा तो ले लो। माधव महाराज राजी नहीं हुआ। ऐसा एक नहीं केस, हमारा भक्ति सौध आश्रम महाराज, भक्ति सौध आश्रम महाराज, इन्होंने ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं की लेकिन अच्छा खासा साधु थे। ये मैड्रास का पोपात का रिप्रेजेंटेटिव बन के मैड्रास मठ में रहा। मैड्रास मठ में रहते समय एक लेडी इंग्लैंड का एक लेडी के साथ परिचय भाई। ये लेडी जो है बुढ़ापा में है, ओल्ड लेडी। वो लेडी ने ये जो ब्रह्मचारी है भक्ति सौध आश्रम महाराज, उस समय में उसका नाम था क्या, माधव महाराज का नाम हयग्रीव ब्रह्मचारी, उसका नाम भूतवृत ब्रह्मचारी। इन्होंने क्या की, भले ये माताजी को प्रचार के खातिर बात बोला, कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये माताजी ने देख लिया, अरे वेरी गुड हैंडसम बॉडी, कितना सुंदर है, अच्छा ये ब्रह्मचारी को प्रपोजल दिया। ये ब्रह्मचारी के सामने एक प्रपोजल प्रस्ताव, तुम हमारा एक लौता लड़की है, मैं इंग्लैंड में रहने वाली हूँ, मेरा उधर संपत्ति है, जायदाद है, एक लौता बेटी है, आप अगर शादी करोगे तो लड़की भी मिलेगी और जितना सारे मेरा इंग्लैंड में रहने को भी मिलेगा, चलो मेरा साथ। महाराज बोले, हम थोड़ी इसीलिए घर छोड़ के आए हैं, हम थोड़ी इसीलिए घर छोड़ के आए हैं क्या, मैं तो भगवान के लिए आए हैं। आजकल के जमाने में किसी को बोलो तुरंत चला गया, चलो 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 चलो, कितना सुंदर मिल गया, कितना कुछ छोड़ के आया घर में, क्या छोड़ के आया है, एक टूटा हुआ घर और दो चार बर्तन, और क्या छोड़ के आया है, कुछ नहीं छोड़ के आया है, छोड़ के आया है, क्या छोड़ के आया है, बस देखा क्या छोड़ के आया, उठपटांग बिछा। और हमारा त्रिविक्रम महाराज जी, रहते थे गुरु जी और परम भैया माधव गोस्वामी महाराज के साथ, अंतिम में तीर्थ महाराज जी के साथ रहते थे। त्रिविक्रम महाराज जी ने मेरे को बताए, जय महाराज, बाबा जी महाराज, एक दफे ये जो उड़ीसा पुरी का डिस्ट्रिक्ट का राजा, ओ क्या ना उड़ीसा पुरी का नहीं, एक अलग सा एक डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट का राजा मर गया, रानी माँ है, और रानी माँ का साथ हमारा भक्ति विवेक भारती महाराज, जो पोपात से उम्र में थोड़ा ज़्यादा थे। ये भक्ति विवेक भारती महाराज का साथ रानी माँ श्रद्धा रखती थी, रानी माँ बड़ा श्रद्धा रखती थी, हरिकथा बोलते थे महाराज। एक दफे रानी माँ महाराज जी को मठ बनाने के लिए, जो पुरी में मठ बनाया स्वर्ग द्वार के सामने, शिला भक्ति विवेक भारती महाराज का मठ बनाया, ये रानी माँ ने बहुत पैसा दी अपने बनाने के लिए, आप पैसा से मठ बनाए। बाद में भक्ति विवेक भारती महाराज अपना गुरु भाई और शिक्षा शिष्य शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज अपने को मानते हैं कि मैं भक्ति विवेक भारती महाराज का शिक्षा शिष्य हूँ। है तो पोपात का शिष्य है, लेकिन महाराज जी को शिक्षा गुरु मानते थे। तो महाराज जी ने शरीर छोड़ने का पहले ये मंदिर भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज को दे दिया है, जिन्होंने बांग्ला में वेदांतों और उपनिषद का भाष्य लिख के छपा है। याद है ना आपको याद नहीं है, आप जानते नहीं हो। तो ये जो है त्रिविक्रम महाराज जी ने बताया, एक दिन रानी माँ ने आँखों में आंसू लेकर महाराज जी को बताए, महाराज जी ये जो मोहन है, मोहन त्रिविक्रम महाराज जी का नाम था, मोहन पोपात का शिष्य थे, ये मोहन को मेरा पास महाराज आप रख दो, ये जमीन जायदाद इतना प्रॉपर्टी कौन संभालेगा महाराज, ये मोहन को मेरा सामने रख दो, मैं अपना बच्चा का माँ भी इसको पालन पोषण और शिक्षा तरंग चराएंगे, शिक्षा दिलाएंगे, कॉलेज में पढ़ाएंगे, आप थोड़ा इसको दे दो।
महाराज जी ने देखा अब रानी माँ को ना बोल दे उसका दिल टूट जाए। महाराज जी ने बड़ा चतुराई से बोले, आप एक काम करो, मोहन से पूछ लो, मोहन क्या चाहता है ये करो, क्योंकि मैं आदेश देने वाला कौन हूँ, ये तो मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा गुरु भाई है, प्रभुपाद का शिष्य है, मेरा अधिकार नहीं है। आप ऐसा करो, मोहन को एकांत में पूछ लो, बच्चा है, उम्र में बच्चा है, 12-14 साल का है, इसको पूछ लो। तो एक दफे रानी माँ ने मोहन को प्यार से बुलाया, बेटा तुम मेरा साथ रह जाओ, देखा इतना जमीन जायदाद कौन संभालेगा बोलो, मेरा तो होता नहीं, राजा चला गया। मोहन माथा नीचू करके बैठा था, मतलब मेरा त्रिविक्रम महाराज खुद बोले मेरे को, मेरे माथा नीचू करके बैठा था, बहुत समय तक मेरे को मनाने का कोशिश की, उसके बाद मैं विनती करके बताए, रानी माँ मैं भगवान के लिए आया हूँ, मैं भगवान को प्राप्ति करने के लिए आया हूँ, घोर घर छोड़ के मैं पिता माता अपना जमीन जायदाद सब छोड़ के आया, ये दूसरा कोई माता पिता भाई बंधु और जमीन जायदाद ये लेने के लिए नहीं आया। रानी माँ मेरे को आप क्षमा करना, मेरे को आप क्षमा करना, मैं संपत्ति जमीन जायदाद के लिए घर छोड़ के नहीं आया हो, मेरे को क्षमा करना, मैं भगवान के लिए छोड़ के आया हूँ, मैं भगवान के लिए आया हूँ, भगवान के लिए। भक्ति विवेक भारती महाराज का सामने रहते थे, भक्ति विवेक भारती महाराज ने कुछ उत्तर नहीं दिए, क्योंकि महाराज जी का भी इच्छा नहीं, एक लड़का आया है, कितना अहोभाग्य से आदमी प्रभुपाद के चरण में आया है, आहा ये असंभव है ऐसा गुरु मिलना। इसके बाद इसको हम विषय का समुंदर में आग में, विषय का आग में इसको हम फेंक देंगे, ये हो ही नहीं सकता। ये हमारा गुरुवर्ग का महिमा है। आज का जमाने में अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता, बोले चलो मैया हो गया, जिंदाबाद है, हरि भजन जिंदाबाद है बोल देगा हो गया ऐसा करके। देखो ये अजगर गुरु का सामने मैं सीखा हूं, अपना जीवन जिंदगी चलाने के लिए ज्यादा प्रयास प्रचेष्टा मत करो, यू शुड रन नॉर्मली। मैं बचपन में जो स्कूल में पढ़ा 5, 7, 6 क्लास में, एक न्यूज़पेपर में अखबार में एक खबर आया था टालीगंज मतलब साउथ कलकत्ता, टालीगंज का एक नैया मतलब वो चूल काटते हैं, चूल सैलून है, उसका एक सैलून है रोज चूल, तब की जमाने में हम लोगों का पैसा लगता 50-40 पैसा चूल कटाई का, आजकल तो लगता है 100-100 रुपया, कितना लगा रहे हैं, बोले 100 रुपया, रे 100 रुपया कमा के लिया, 100 रुपया कमा के दिखा, 100 रुपया दे के आया है, ऐसा ही है आजकल जमाना बदल गया। तो उस समय में ये जो नैया है मतलब चूल को कमाने वाले नापित, बार-बार अंग्रेजी में बार-बार बोलता है नैया, चूल कमाते हैं, वो देखने में खासा था, और वो दो इंसिडेंट है, एक नैया है देखने में एकदम, एक तो हीरो का माफी, वो हीरो मरने का बाद इसको रोल करने का मिला था, और दूसरा एक है इंसिडेंट, ये नैया का करोड़ रुपया का एक लॉटरी लग गया दो इंसिडेंट है, एक मैंने सुना है और बाद दूसरा जो केस है वो आगे चलकर जब मेरा 20 साल का उम्र तब हुआ ये 20-22 साल का उम्र, 18-20 साल, तो बचपन में ये देखा, एक नैया का करोड़ों रुपया का एक लॉटरी लग गया। हमारा जो गोद्रुम है ना, ये जो गोद्रुम जो गौशाला है, इसका अगले वाला गांव में एक गरीब लड़का, एक ग्वारिया है, इसको 50 लाख का लॉटरी लग गया, और सारे गुंडा उसका पीछे लग गया, हाँ उसको मिल गया, बहुत सारे कहानी है। तो ये जो है, मेरा कहने का मतलब है, जिसका तकदीर में लिखा हुआ है वो होगा ही, जिसका तकदीर में जो लिखा हुआ है सुखम
ऐन्द्रियकम दैत्या देहो योगेन देहिनाम सर्वत्र लभते जस्मात दथा दुःखम अजत्नतः। इस बात का हम चर्चा करेंगे काल, आज समय नहीं हो पाएगा। ये सुख और दुख बिना बुलाए आते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रचेष्टा ये करना चाहिए। नॉर्मल स्वाभाविक जीवन जिंदगी चलाने का जो कोशिश है ये करना चाहिए। ये अजगर से मैंने ये अनासक्त होकर जीवन जिंदगी चलाना ये सीखा है। मेरा 11 नंबर गुरु है सागर, मेरा 11 नंबर गुरु है ओशन, मेरा एकादश गुरु सागर है। क्योंकि सागर से मैंने सीखा है अगर कोई संपत्ति आए अभिमान में फूलों मार, अगर सारे चला गया अपना दुख से आप अपना जिंदगी को ख़त्म कर मत करो। ये जो सागर है ये सागर मेरा एकादश गुरु है। वर्षा का पानी सारे इधर उधर से जाकर सागर में गिरता है, लेकिन सागर अपने को फूला अपने को मोटा नहीं बनाता। सागर मोटा नहीं बनता है, सागर में दुनिया भर का पानी का सोर्स इधर उधर से वर्षा का पानी सारे नदी का पानी जाकर सागर में गिरता है, लेकिन सागर का पानी का जब वृद्धि है स्फीत हो अभिमान कभी नहीं दिखाई देता। और गर्मी का टाइम में महाराज आसमान से पानी भी नहीं पड़ता, नदियां का पानी भी थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन सागर सूखते नहीं है, सागर प्रकाशित नहीं करते। मैं दुखी हूँ, मैं सूख गया हूँ, मेरा कोई आशा, ऐसा नहीं बोलते। सागर गुरु मेरे को सिखाए कि संपद सम्मान संपद वृद्धि होने से गर्व अभिमान नहीं करना, और संपद अभाव संपद चला गया कुछ नहीं है फिर भी दुख के मारे मरने के लिए मत जाओ। तत्ते निकम्पान सुषमिक्षमानम भुंजान एव आत्मकृत विपाकम हृदभागत नमस्ते जीवे तो मुक्ति पादे जीवे तो भक्ति पादे स्वजाय। ये महाप्रभु जी ने विचार बताया सर्वम वर्तते तत्वानुकंपा। जो स्थिति मेरा जिंदगी में पैदा हो जाए मेरा कर्म फल के अनुसार सारे मेरा भलाई के लिए है। जैसा भी स्थिति मेरा अपना कर्म फल के अनुसार मेरा सामने आ जाए उसमें दुखी होना उचित नहीं है। और जितना सारे सम्मान संपत्ति अगर जिंदगी में आए उसी के द्वारा अभिमान उचित नहीं है। क्योंकि आज राजा है काल भिखारी है। देखो ये जो हरिश्चंद्र इतना बड़ा राजा और भिखारी बन गया ना। सिराज दोल्ला बंगाल का राजा था भिखारी बन गया, पूरा भिखारी। यहाँ तक कि उसको मरने के टाइम में एक बूंद पानी नहीं मिला। पानी का प्यास से तरपते मरा, पानी का प्यास से तरपते हुए मरा, एक बूंद पानी नहीं मिला, और राजा है। अब देखो ये जीवन जिंदगी ठाकुर जी भरोसा है, गुरु वैष्णव भरोसा है। जिंदगी में कभी अभिमान मत करो, जो कुछ भी मिला है ईशावश्यम इदम सर्वम जत्किंचित जगदम जगत, ठाकुर जी ने जो मिलवाया है जो मिला है मेरा जिंदगी में उसी से खुश रहना उसी से आनंद रहना, दुखी मत होना, अंदर में कोई रिएक्शन मत लाना मैं दुखी हूँ मैं सुखी हूँ, ऐसा नहीं। सब सोचो ये सागर मेरा एकादश गुरु है, मैं सागर से सीखा हूँ, क्या तो पानी का वृद्धि हो जाए उसमें फूलते नहीं हैं और पानी चला जाने से भी सूखते नहीं हैं। ये सागर गुरु मेरे सिखाया, अगर लाभ पूजा प्रतिष्ठा सम्मान वैष्णवी प्रतिष्ठा आ जाए पैसा आ जाए इसी में अभिमान नहीं करना, फॉल्सी को नहीं आना चाहिए। और अगर जीवन जिंदगी में पैसा जो था सब चला गया तबीयत खराब हो गया पैसा खराब हो गया रिश्तेदार मर गया बीवी बच्चा सारी चला गया,
दुखी मत होना, ये समझ लेना मैं अपना ही कर्मफल को भोग रहा हूं। यूं समझ लेना कि मैं अपना कर्मफल को ही भोग रहा हूं। इसी के लिए किसी को जुमा नहीं ठहरना चाहिए। कोई मेरा ये हालत के लिए जुमा नहीं है। कोई मेरा ये हालत के लिए जुमा नहीं है। ये मेरा तकदीर में लिखा था, इसलिए हो गया। अब क्या करूं? ऐसा करके आज तक ये अवधूत सन्यासी के सामने इतना सारे चीज हमको सीखने मिला। बड़ा दंडवत करता हूं, ये बड़ा साधु है, इनके सामने ये सब सीधा धेड़ा थोड़ा थोड़ा करके सीखने को मिल रहा है। काल बाकी चर्चा करेंगे। बाकी ये श्लोक को नहीं भूलना कि जगत जो है मायामा जगत, ये जगत जो है दृश्यमान जगत जो है, ये जो दृश्यमान जगत जो है, ये जो न्यू मार्केट खुल के रखी है माया देवी, ये सब कर्म निर्मित है। आद्यंत बंतो एवैषां लोकः कर्म विनिर्मिता दुःखो दर्का तमो निष्ठा क्षुद्रो मंदा सुचार्पिता वांछाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।